खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां थाना मेहनगर क्षेत्र टोडरपुर ग्राम सभा से बिमला देवी ने प्रधान पद जीत हासिल की, जिस पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। समर्थकों में गांव के विकास को लेकर काफी उत्साह नजर आया। जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने प्रधान बिमला देवी से जीत की बधाई देते हुए कुछ सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र टोडरपुर ग्राम सभा में हूं और यहां पर जो है, जैसा कि अभी जानते हैं आपकी त्रिस्तरीय चुनाव काफी चरम सीमा पर चल रहा था और इस समय जो है यहां 19 तारीख को जो है चुनाव हुआ था और आज 2 मई को जो है परिणाम भी आ गया है और ऐसे में जो है युवा प्रत्याशियों के बीच में जो है काफी गहमा गहमी जो है महिलाओं ने भी की। महिलाएं भी कुछ कम न रही, महिलाएं भी जो है एक कदम आगे ही थी। ऐसे में टोडरपुर ग्राम सभा से जीत हासिल किए हैं और आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अगली ये 5 साल में अपने ग्राम सभा को क्या देना चाहती हैं, किस स्तर तक जो है अपने ग्राम का विकास करना चाहती हैं। सबसे पहले नेशनल खबर 9 की टीम की तरफ से जो है आपको ढेर सारी बधाई है, क्योंकि आप इस बार जो है प्रधानी का पद आपके पास आया है। पूरे ग्राम सभा के लोगों ने जो है आपको आशीर्वाद देकर आपको विजयी बनाया है और ऐसे में जो है आप इस 5 साल में अपने पूरे ग्राम सभा का किस स्तर तक विकास करके और ब्लॉक पर जो है किस पोजीशन पे अपने ग्राम सभा को लेकर जाएंगे? सबसे पहले मैं ग्राम प्रधान विमला देवी पूरे ग्राम वासियों को धन्यवाद देती हूँ और पूरे 5 साल में गांव के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए मनोकामना करती हूँ। ब्लॉक पर आपकी ग्राम सभा की कौन सी पोजीशन रहेगी, पहली या दूसरी या किस पोजीशन पर लेके जाएंगे आप अपने ब्लॉक ग्राम सभा को? पहली पोजीशन रहने की मनोकामना करती हूँ। पहली पोजीशन पर लेकर जाएंगे। अच्छा, नेशनल खबर 9 के माध्यम से जो है आप अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले मैं विमला देवी अपने ग्रामवासियों को आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस पद पे, जिस लोगों की कृपा से मैं इस पद पर आई हूँ। मैं पूरे 5 साल में पूरे ग्रामवासियों की आकांक्षाओं को, जो मनोकामनाएं उनकी हैं आपसे, मनोकामनाएं मेरे से उनको मैं पूर्ण करूँगी।